सुल्तान मल्टीमीडिया 786 चैनल नाल जुड़ियां सारियां संगतां नूं जय पीरां दी। अज दी वीडियो विच असीं तुहानूं फकीरां दे द्वारा दसियां होईयां दो गल्लां बारे दसांगे जिहड़ियां साडी जिंदगी दे विच बहुत काम आणगियां। औखे समय जेकर तुसीं इन्हां गल्लां नूं अपनाओगे, ध्यान रखोगे तां साडी जिंदगी बदल सकदी आ, औखा टाइम गुजर सकदा है। सो हाथ जोड़ के बेनती है इस वीडियो नूं पूरा जरूर देखियो ते इस चैनल नूं भी जरूर सबसक्राइब करियो। पीरां दी प्यारी साध संगत जी, जंगल दे विच इक नदी दे किनारे एक फकीर बैठा, सारा दिन ओह धूनी बाल के बैठा रहिंदा ते कुछ कुछ समय बाद ओह उच्ची उच्ची पकारदा, जो चाहोगे ओ पाओगे, जो चाहोगे ओ पाओगे। ओ फकीर कुछ कुछ समय बाद इदा ही बोलदा ते उत्थों लंघण वाले लोग ओदियां गल्लां नूं सुन के भी अनसुणिया कर दिंदे, जां जिहड़े सुणदे ओह उहदा मजाक उड़ाउंदे, उहनूं बुरा भला भी बोलदे, उहदा मजाक उड़ा के उच्ची उच्ची हसदे भी कि शायद इह पागल हो चुका है जिहड़ा कही जांदा जो चाहोगे ओह पाओगे, कि इह रब आ। इसे तरह ही लोग उहदे कोलों लंघदे रहिंदे ते उहदा मजाक उड़ाउंदे रहिंदे। एक दिन एक नौजवान उहदे कोलों लंघण लगा तां उहदे कन्नां विच भी उही आवाज पई कि जो चाहोगे ओह पाओगे। उहदी गल सुण के नौजवान थोड़ा जिहा हैरान भी होया कि इह महापुरश इह फकीर की कह रहे आ। उह नौजवान उस फकीर दे कोल गया ते जाके बह गया, प्रणाम कीता ते कहण लगा, हे फकीर महात्मा, जो तुसी कह रहे आ कि जो पाओगे जो मंगोगे ओह पाओगे, कि मैं जो भी तुहाडे कोलों मंगूंगा ओह मैनूं मिल जावेगा। उस लड़के दी गल सुन के ओह फकीर बोले कि हाँ बेटा, तू जो मंगेगा जो चाहूंगा ओह पा लवेगा। तां ओह लड़का कहण लगा कि महाराज, मैं हीरियां दा बहुत वड्डा व्यापारी बनना चाहुंदा हाँ, कि तुसी मैनूं हीरियां दा व्यापारी बना सकदे आ। तां फकीर कहण लगे, हाँ बेटा बिल्कुल, मैं तैनूं बहुत वड्डा हीरियां दा व्यापारी बना सकदा हाँ, मैं तैनूं एक हीरा ते एक मोती दवांगा। उस फकीर दी गल सुन के उस लड़के दी अखां दे विच उम्मीद दी किरण जाग पई कि हुण शायद मेरा भला हो सकदा है, मैं जो चाहां ओह पा सकदा हाँ। फकीर ने कहा कि बेटा तू अपने दोए हथ अगे नूं कर। उस लड़के ने अपने दोए हथ अगे नूं कर दिते तां फकीर ने अपना एक हथ ओहदे एक हथ ते रख दिता ते दूसरा हथ ओहदे दूसरे हथ ते रख दिता। ते पहले हथ ते हथ रख के फकीर ने कहा कि बेटा, मैं तैनूं सब तो पहला अनमोल हीरा देण जा रहा हाँ, जिहनू कहिंदे आ वक्त, वक्त समा। इस मुट्ठी नूं घुट के मीट लै ते वक्त नूं अपने अंदर कर लै। समा इहदे नाल तू बेटा जिन्ने चाहे उन्ने हीरे बना सकदा है, बस इस वक्त नूं इस समय नूं अपने हथों निकल ना देई। फिर उस फकीर ने उस लड़के दे दूसरे हथ वल इशारा करके कहा कि बेटा, तेरे इस हथ दे विच मैं तैनूं दुनिया दा सब तो कीमती मोती देण लगा हाँ, जिहनूं कहिंदे आ धीरज, सबर। सबर एक ऐसी ताकत आ जिहदे नाल असीं सब कुछ हासिल कर सकदे हाँ, हर मंजिल पा सकदे हाँ। फकीर कहण लगे, बेटा मेरी एक गल हमेशा याद रखी, जदों असीं किसी काम ते बहुत ज़्यादा मेहनत करते हाँ फिर भी सानू साढ़े मन चाहे नतीजे ना मिलन, तो उस वेले इस मोती नूं धारण कर लई, इस सबर नूं धारण कर लई। तू पक्का ही अपनी मेहनत दे सदका चाहे थोड़ा देर हो जाए पर तू अपनी मंजिल ते पहुंचेगा जरूर, जो चाहेगा वह पा लवेगा, पर सबर तेनू रखना पवेगा। वो लड़का उस फकीर दियां गल्लां बड़े ही ध्यान दे नाल सुन रहा सी। उनू जिंदगी दे विच सफल होण दे औखे समय नू बतीत करन दे गुजारन दे ते अपनी मंजिल ते पहुंचण दा बहुत ही वड्डे दो गुरमंत्र मिल गए सीगे, जिन्हां दे विचो एक सी समा ते दूसरा सी सबर। उस लड़के नू समझ आ गया कि हुण ओह गाहां दी जिंदगी दे विच कोई भी काम समय सिर ही करेगा, समय नू अपने हथों लंघण नहीं दवेगा, चाहे मेहनत करदियां किन्ना भी समा गुजर जाए वह सबर दे नाल मेहनत करेगा, सबर दे नाल अपना परिश्रम करेगा ते वह अपनी मंजिल ते जरूर पहुंचेगा। ये गल्लां दा उहनू ज्ञान हो चुका सी ते वह बड़ा ही खुश सी। फकीर दी गल मन के उस लड़के ने अपने शहर के सब तो बड़े
हीरा व्यापारी दे नाल काम करना शुरू कीता। काम दियां बरीकियां सीखियां, गहराइयां सीखियां ते बाद विच अपना काम शुरू कीता। समय सिर पूरी लगन दे नाल, मेहनत दे नाल, सबर दे नाल उन्हें काम कीता ते ओह पूरे अपने मुल्क दा ओह हीरियां दा वड्डा व्यापारी बन गया। ये सब कुछ होया ओदा समय सिर ते काम करना ते सबर रखना, मेहनत करना, इसे सदका नूं सफलता मिली। सो सानू भी सफलता मिल सकती आ जेकर ये गुण तुसी अपनी जिंदगी विच अपनाउने आ। समय सिर काम करो ते सबर रखो, फिर देखो परमात्मा थोड़ी जिंदगी किवें बदलदा आ ते किवें तुसी अपनी हर मंजिल ते पहुँचदे आ। गल्लां छोटियां पर मीनिंग बहुत ज़्यादा डूंघे ते बड़े हन। सो समझण दी कोशिश करो ते इस चैनल नूं भी जरूर सबसक्राइब करो।